हमने लिखा है जी, इसमें एक और छोटा सा सवाल है सर आपसे पूछना चाहेंगे। जिस समय आपने शिव को गुरु बनाया, जिस समय आप ठीक उसके पहले जिस समय आप काफी परेशान और हताश मनोदशा आपकी थी, तो उस समय कौन सी स्थिति आपके साथ रही होगी जिस समय आपने शिव को अनजाने में ही अपना गुरु बना लिया, तो उस समय आपके मन पर क्या भारी था? क्योंकि जैसा हम लोगों ने सुना है कि चमत्कार सीखना भी एक चाहत आपके मन में उस समय रही थी कि चमत्कार करेंगे, चमत्कार सीखेंगे, तो उस समय कौन सा भाव आपके मन पर भारी था? क्या चमत्कार सीखने का भाव आपके मन पर भारी था, या आपके मन पर यह भारी था कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई वो शिव ही हमारे गुरु हो सकते हैं, वो शिव ही गुरु है, ये भाव भारी था? ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको जन्मजात मिलती है, वो पैदाइश से ही आपको मिलेगी। तो बहुत जब कम होश था तब भी मैं महादेव की पूजा लटर पटर करके करता था, जो अकील रहेगा वही करें। मेरे पिताजी और माँ, हमको भी थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं सीढ़ियों पर महादेव की तस्वीर रख देता था। गाड़ियां शुरू से मेरे यहाँ थी, उस समय पेट्रोल पंप बड़ी दूर दूर थे, इसीलिए गैलन में पेट्रोल जैकिंग जिसको बोलते हैं उसमें पेट्रोल रखा जाता था कि भर के चलेंगे, पेट्रोल हर जगह मिलता नहीं है। तो खाली टिन बहुत था हमारे पास, 5 लीटर जिसको बोलते हैं, 5 लीटर वाला ले आता था गाड़ी से निकाल के। अब बाबूजी तो ऑफिस, माँ नीचे, मैं ही सबसे बड़ा लड़का था, घूमता फिरता रहता था दिन भर घर में। मॉर्निंग में स्कूल खत्म, डीएस भी मैं पढ़ता था, स्कूल खत्म तो सीढ़ी के ऊपर वाली सीढ़ी पर उसको रख देता था, रबर का पाइप पर गाड़ी में रहना ही रहना, पेट्रोल डालने के लिए उसको उसमें डालता था। और महादेव की तस्वीर जो शीशे में मड़ी होती है उसके ऊपर एक हुक रहता है जिसे काठी में लगाया जाता है, उस हुक में उस पाइप को घुसा देता था और साइफन कर देता था, मुंह से खींच के साइफन कर देता था। थोड़ा देर के बाद मेरी माँ कहती थी, इतना पानी सीढ़ी पर कहाँ से आता हो, सीढ़ी से पानी अब चला नीचे, जरूर बड़कू कुछ ऊपर में करता रहे। मैं बड़ा लड़का था इसीलिए कहती थी बड़कू बड़कू जरूर ऊपर में कुछ करता रहे। चपरासी सब आके देखता था, तब तक क्या होता था, फोटो गाल के दो जमीन पर, ठाकुर का फोटो, मैं स्विमिंग पर नहीं महादेव के फोटो पर जल चढ़ाता। खैर ऐसी बहुत सारी बातें होती नहीं, तो कुछ चीजें होती है जो आपको पैदाइशी मिलती है, उसी दिशा में आप चलेंगे। आप ही का दो लड़का है, दोनों 7-8 साल का है, कम उम्र का है, एक को कोई फुटबॉल के मैदान में एक लपड़ मारेगा तो रोते हुए घर आएगा, और दूसरा ही आपका बेटा है उसको कोई एक लपड़ मारेगा तो दूर हटके को ढेला चला के उसका मुड़ी फोड़ देगा तब आवेगा। देखिए बचपन से ही कुछ गुण अलग अलग। जब मैंने शिव को गुरु माना उस समय ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं, मैं चमत्कार सीखना चाहता था, वही जादू टोना और कुछ नहीं, जो सबसे रद्दी काम है। बहुत जगह मैं बहुआया इसके लिए, नहीं मिला, बहुत अघोरी, बहुत तांत्रिक, बहुत गुरु। एक दिन मेरे मन में रात में 2 बजे श्मशान में ख्याल आया, वही आधा के लोग आए हुए हैं वही गांगी श्मशान में, कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। भगवान मैंने सुना था कि महादेव को शिव को कहते हैं, सुना था जानते कुछ नहीं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। हमको लाभ क्या हुआ कि जो 15 साल में अंत संत करता था पूजा पाठ में, उसे जो उब गया था वो आदत मेरी नहीं गई थी। 15 साल पान खा लीजिएगा छूटेगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो आदत जो लग गई थी श्मशान की, साधुओं के साथ घूमना, घोड़ियों के साथ घूमना, रहना, उठना, बैठना, तो आदतवा मेरी हमको ठेल रही थी। आज जब गुरु बदल लिया, महादेव को गुरु मान लिया, तो हम सोच रहे थे कि पहले का कोई काम नहीं करे। जब गुरु बदल लिया तो नया गुरु जो कहेगा वो न पढ़ाई पढ़ेंगे कि पुरनका पढ़ेंगे, तो परीक्षा पास करके 8वां में, तो 9वां में मास्टर
पढ़ावे खत्म ना, हमें पिटाते भी थे हम। जैसे हम आठवां पास कर लिया, सातवां पास कर लिया, अब घूमना है कोई काम नहीं है, इधर से उधर खाली बदमाशी करना है। बाबूजी जिला में अफसर थे, दिन भर मैं एसडीओ के बेटा के साथ कभी पिट्टू खेलता था, कभी ये खेलता था, वो खेलता था। बाबूजी कहते थे पढ़ता का नहीं जीतू, हमका परीक्षा दे लिया, अब रिजल्ट आवेगा, नया क्लास में जाएंगे, नया किताब आवेगा, तब ना पढ़ेंगे, दुर्लभ पढ़ साला, अंग्रेजी का नेस्पेल्ड ग्रामर पढ़ो, हिंदी का व्याकरण पढ़ो, और टास्क देते थे दूसरे दिन सुनाओ। वही आदत हमको थी अध्यात्म में भी, हम कहा कि जब मास्टर बदल लिया तो साल पुरंदा मास्टर का क्या करना है। लेकिन आदत जो पड़ी हुई थी उठे नहीं थी, हम ही जानते थे कि महादेव देह में नहीं है, ये साला फालतू धंधा है। तो मैं बैठ के रोता था कि साला फंस गया, करें क्या। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई शिव के लिए रो सकता है तो धरती ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन हम लोग शिव के लिए कहाँ रोते हैं, शिव से सीखने के लिए कहाँ रोते हैं, हम लोग तो अपना दुखड़ा रोते हैं शिव के सामने। तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन क्या करिएगा, पीछे से कोई ठेल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। वो कई बार मैंने कहानी सुनाई है कि पानी के जहाज से लोग जा रहे थे, एक बच्चा समुद्र में गिर गया जहाज से, लोगों ने कहा बचाओ 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 बचाओ, इनको उतरने का साहस नहीं करे समुद्र में। एक आदमी कूद गया, अपने भी बचा, बच्चे को भी बचा लिया, लोगों ने कहा वाह सरदार जी वाह सरदार जी वाह सरदार जी, कमाल किया, बच्चे को बचा लिया। सरदार जी ने कहा चुप रहो सालो, पहले बता हमको ढकेला कौन था। तो कोई ढकेल देगा तो हम क्या कर सकते। मैंने शिव को गुरु अपने मन से नहीं माना है, किसी ने ढकेल दिया है, अब ढकेलने वाले का दोष है क्यों ढकेला, लेकिन अब ढकेल दिया, हम कमजोर आदमी हैं। कोई भी इंसान उस शिव के सामने कोई जगत ही कमजोर है, संसारी पूरा त्रिभुवन उनके सामने कुछ नहीं है। जब वही ठेलते हो तो कोई बचे, तो उन्होंने मुझको ठेल दिया। जब शिव गुरु धीरे धीरे होते चले गए, जब मैंने चमत्कार उनसे जान लिया, तब हमको लगा कि सर तो फालतू धंधा, इसे सीख के कहा करेंगे। सीख लिया तब लगा कि बेकार, तो हम गए थे तो चमत्कार सीखने अपनी बुद्धि से, महादेव ने चमत्कार सिखा दिया अपनी बुद्धि से। हम जो गए थे, आप भी जाएंगे कहीं तो अपनी बुद्धि से ही ना काम करेंगे, दूसरे की बुद्धि से तो नहीं कर सकते। लेकिन गुरु के पास में गया, शिव को गुरु मैंने माना, उस समय मैं जानता भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैं तो भगवान समझ के उनको गुरु मैंने बनाया। मैंने चमत्कार सीखा अपनी बुद्धि से, धीरे धीरे महादेव ने समझा दिया चमत्कार अपनी उनकी अपनी बुद्धि से। क्या चमत्कार हुआ, दुनिया में जब भी अब शिव गुरु की बात चलेगी लोग तेरा नाम लेंगे, जब भी हुस्न की बात चलेगी लोग तेरा नाम लेंगे, जब भी शिव गुरु की बात चलेगी हैनान का नाम आएगा यार। देखिए महादेव ने चमत्कार सिखाया, चमत्कार वही न है जो हमेशा रहे, एक दिन का चमत्कार, एक मिनट का चमत्कार, कोई अर्थ नहीं।